बसपा प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा भीड़ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 922 को कर दिया जाम। बक्सर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार का यह कहना है कि मिथिलेश तिवारी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वह जब बक्सर आ रहे थे तो अपने आगमन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 922 को घंटों तक जाम करवा दिया था। ऐसा होने से सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई थी, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इस जाम में वह स्वयं भी फंसे हुए थे। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रत्याशी बक्सर आते हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत होता है। कहते हैं कि अप्रत्याशित भीड़ थी, काफिला इतना लंबा था कि पूरा NH जो है जाम हो गया। क्या कहेंगे? भीड़ की जो बात कर रहे हैं, संजोगवश मैं भी उस समय आ रहा था। हमारी भी गाड़ी, हमारे साथ भी लोग थे, हमारे भी शुभचिंतक हमारे साथ थे, तो हम भी उस काफिला का हिस्सा थे। तो क्या मैं BJP का प्रचार कर रहा था? आप उनसे ये सवाल करना चाहिए कि NH ये जो हाईवे है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का था? हाईवे को क्यों घंटों जाम रखा गया? कोई भी गाड़ियां नहीं आ रही थी, पूरे हाईवे को आपने ब्लॉक कर रखा था। तो हमें तो लगता है कि इनके साथ क्या भीड़ थी नहीं थी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अप्रत्याशित भीड़ का जो दावा है ये बिल्कुल गलत दावा है। और अप्रत्याशित भीड़ अगर थी तो NH पर चलने वालों की भीड़ थी, जिन्हें घंटों रोक रखा गया था। और प्रशासन के लोग, चुनाव आयोग के लोग कहाँ थे? अगर किसी हाईवे को किसी प्रत्याशी ने रोका था, किसी पार्टी के लोगों ने रोका था, हाईवे को तो मुक्त करानी चाहिए, प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए थी। लेकिन घंटों रोक करके आप अप्रत्याशित भीड़ की हवा उड़ाते हैं, ये झूठा दावा है और खोखला है बिल्कुल ही। जिस तरह से हम उस काफिले के हिस्सा हो गए, मैं तो कभी BJP के पक्षधर नहीं रहा हूँ, न रहूँगा। तो ये ऐसे सैकड़ों लोग, सैकड़ों गाड़ियाँ उस भीड़ में फंसी हुई थी, बच्चे भी बहुत परेशान थे। तो ये कहना NH को बंद करके, अगर हम बक्सर चल रहे हैं, बक्सर के रोडों को बंद कर दें और कहें कि हमारे पीछे तो बहुत अप्रत्याशित भीड़ हो गई, तो ये भीड़ नहीं, जबरदस्ती सड़क को रोक करके, हाईवे को रोक करके इसे दिखाया गया। गुंडागर्दी है ये बिल्कुल ही, प्रशासनिक भी गुंडागर्दी है कि प्रशासन 2 घंटे तक क्यों नहीं वहाँ आ पाए, क्यों नहीं हाईवे को चालू करा पाए? प्रशासन के लोग कहाँ थे? जब आप एक तरफ कहते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, 144 लगी हुई है, और 2 घंटा 2.5 घंटा तक किसी रोड को रोक करके कोई पार्टी प्रत्याशी खड़ा है सड़क पर और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसी व्यवस्था है? बक्सर से चंद्रकांत निराला।